कठुआ में एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए फिल्मी अंदाज में पकड़ा गया है। सीबीआई की टीम ने जाल बिछाकर पुलिस अहलेकार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। देखिए खास रिपोर्ट। रिश्वत लेने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने कठुआ सिटी थाने में तैनात एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। पुलिस अहलकार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। थाने में घंटों चली कार्रवाई के दौरान सीबीआई की जानिब से मुलजिम एएसआई से पूछताछ की गई। मुलजिम के घर को भी खंगाला गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस से जुड़े बदउनवानी मामले पर यह सीबीआई की पहली कार्रवाई है। सीबीआई टीम के साथ सिटी थाने पहुंचे शिकायत करने वाले देवेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि उन्हें रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा है। जालंधर के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने शनिचर को ही सीबीआई के जम्मू ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और दबिश देकर मौके पर ही एएसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ਇੱਕ ਲੱਖ 20,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੌਰੀਆ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਥੇ ਥਾਣੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੌਰੀਆ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ PB08DS 3631 ਨੰਬਰ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਹੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਤੇ ਸਰਾਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਦਰਅਸਲ जालंधर के देवेंद्र सिंह ने अपना ट्रक जम्मू कश्मीर में किराए पर किसी को दिया था, लेकिन ट्रक को जानवरों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कठुआ पुलिस की टीम ने गाड़ी को जब्त कर लिया जिन्होंने ट्रक को किराए पर लिया था। उन्होंने इसे छुड़ाने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब वो खुद थाने पहुंचे तो एएसआई भूरी सिंह ने गाड़ी छोड़ने के अवज में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसके बाद मामला 1,20,000 रुपए में तय हुआ। देवेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से ट्रांसपोर्टर्स की कमर पहले से ही टूटी हुई है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट से वाहन को रिलीज करवाए जाने के बाद भी उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देवेंद्र सिंह की माने तो ट्रक से सामान निकाले जाने के साथ ही डीजल निकाल कर ईंधन टैंक में मिट्टी डाल दी गई थी। ये उन्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश के तहत किया गया। यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी और दस्तावेजों के लिए भी कई चक्कर लगवाए गए। गाड़ी हासिल करते वक्त उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुलजिम एएसआई को 5,000 की रिश्वत दी थी। इसके बाद भी एएसआई नहीं माना और 5,000 और देने की मांग करने लगा। बस इसी से तंग आकर उन्होंने मामले की शिकायत सीबीआई से की और सीबीआई ने थाने में ही उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।